गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रेनू तंबोली फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। सो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू रीड चैप्टर नंबर 4 इन आवर एसएसटी सब्जेक्ट। ओके, सोशल साइंस में लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यस, लेसन नंबर 4 आर फैमिलीज, दैट मींस अपना जो क्या होता है, अपना परिवार। आज हम क्या रीड करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फैमिली, कितने टाइप्स ऑफ फैमिलीज होती है ना। लाइक देखो की टर्म्स क्या है यहाँ पे, देखो पहले क्या है, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज। न्यूक्लियर दैट मींस स्मॉल, जॉइंट दैट मींस बिग फैमिलीज। ओके, फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड टू इच अदर एंड नेक्स्ट वन इज फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड टू इच अदर, दैट मीन्स फैमिली में अपने परिवार में जो सदस्य रहते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं ना, उनकी क्या रिश्तेदारी होती है आपस में। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर, जो परिवार के सदस्य होते हैं जो साथ में वर्क करते हैं उसके बारे में आज हम रीड करने वाले हैं। ओके, की टर्म्स देख लो बेटा, की टर्म्स क्या है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, न्यूक्लियर फैमिली दैट मीन्स स्मॉल फैमिली, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियर दैट मीन्स स्मॉल फैमिली। नेक्स्ट वन इज बिग फैमिली दैट मीन्स बड़ी फैमिली। जॉइंट फैमिली, जॉइंट मतलब क्या होती है, बिग से बिग फैमिली जैसी होती है, बट इसमें क्या होता है, बहुत सारे फैमिली मेंबर एक साथ रहते हैं ना, ये बिग फैमिली जैसी ही जॉइंट फैमिली होती है। नेक्स्ट वन इज सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ जो पेरेंट्स होते हैं वही रहते हैं। और सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है, ये सारी फैमिलीज मेंबर्स, इन सब फैमिली के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट्स अ फ्लो चार्ट ऑफ फैमिलीज। ओके, सो इसे हम फॉलो करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट क्या होता है, ये हमें क्या करता है, इट मेक अस इजी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, चैप्टर को आसानी से समझने में हेल्प करता है। लाइक टाइप्स ऑफ फैमिलीज, एज यू कैन सी हियर, है ना, मेंबर ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू इच अदर एंड नेक्स्ट इज फैमिली, मेंबर ऑफ अ फैमिली वर्क एंड एंजॉय टुगेदर। ओके, देखो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रीड करना। काइंड्स ऑफ फैमिलीज, काइंड्स ऑफ फैमिलीज मतलब परिवार के प्रकार, है ना। देखो, वी नो दैट फैमिलीज कैन बी स्मॉल और लार्ज, हम जानते हैं कि परिवार जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं, लार्ज मतलब बड़े भी परिवार होते हैं, स्मॉल फैमिलीज भी होती है। इन स्मॉल फैमिलीज क्या रीड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्मॉल फैमिलीज। ओके, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। स्मॉल फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स दैट मीन्स माता पिता और उनके बच्चे एक ही घर में रहते हैं साथ में। ओके, सच फैमिलीज आर नोन एज अ न्यूक्लियर फैमिलीज। अब नोट करने वाली बात ये है, पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना है आपको, न्यूक्लियर फैमिली को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली। ओके, सेम नेम है। अब क्वेश्चन आ जाए चैप्टर, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्मॉल फैमिली, क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। न्यूक्लियर फैमिली में देखो मैंने क्या बताया, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ओके, और बिग फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स का है। ओके, नेक्स्ट देखो, इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बिग फैमिली, दैट मीन्स बड़ा परिवार। इन सम फैमिलीज चिल्ड्रन लिव टुगेदर विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ परिवारों में जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स, दैट मीन्स जो उनके दादा दादी जी होते हैं ना, उनके साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं, बिग फैमिली। लर्न क्या क्या पढ़ा अभी तक, राइट नाउ वी हैड लर्न अबाउट नंबर 1 न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट बिग फैमिली। डन, नेक्स्ट पे अपने मूव करते हैं। यस, नाउ इट्स अ थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जॉइंट फैमिलीज। ओके, जॉइंट मतलब कैसे सारे परिवार एक साथ, जो सदस्य होते हैं परिवार के साथ में रहते हैं, जॉइंट को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, संयुक्त परिवार, जो साथ में रहते हैं सब। इन सम फैमिलीज चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजिन्स, सच लार्ज फैमिलीज आर कॉल्ड जॉइंट फैमिली। समझ में आया, कुछ परिवार में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं जो किस किस के साथ रहते हैं, देखो पेरेंट्स के साथ तो रहते ही है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं, और कौन कौन से सदस्य होते हैं, लाइक आंट्स मतलब
अंकल्स, चाचा चाची, कजिन्स, उनके चचेरे मम्मेरे भाई बहन है ना, ये सब साथ में रहते हैं, उसे कहते हैं जॉइंट फैमिलीज, मतलब बड़ा परिवार. ओके आप देखो नेक्स्ट वन इज सिंगल पेरेंट फैमिली. सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है? इन सम फैमिलीज अ चाइल्ड लिव्स विद हर और हिज फादर और मदर. कुछ परिवार में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो किसके साथ रहता है? ये अपने सिर्फ माता विद हर और हिज फादर और मदर, अपने सिर्फ फादर या मदर के साथ रहते हैं, उसे कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली. ओके सच फैमिलीज आर नोन एज सिंगल पेरेंट फैमिलीज. देन क्या क्या पढ़ा अभी तक? नंबर वन क्या पढ़ा हमने? न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, स्मॉल फैमिली के बारे में. सेकंड क्या पढ़ा? बिग फैमिली के बारे में. थर्ड पैराग्राफ joint families and the last paragraph of this chapter is about single parent families. okay ye bhi beta wahi bataya gaya aapko ki joint family mein kaun kaun se sadasya members hote hain aur single parent mein kaun kaun se members hote hain. ab dekho kya hai, hum family mein rehte hain, parivar mein rehte hain, to parivar mein rishtedari bhi hoti, relationship bhi hoti sabse, hai na. ab dekho jo family mein jo relatives hote hain wo ek dusre se kaise connected hote hain and what they have relationship, है ना, और उनमें क्या क्या रिश्तेदारी, क्या रिलेशनशिप होता है, पढ़ते हैं. चलिए, इन अ फैमिली एवरीवन इज रिलेटेड टू वन अनदर. परिवार में हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से रिलेटेड होता है, मतलब किसी दूसरे से क्या रखता है, किसी न किसी प्रकार का रिलेशन रखता है, संबंध रखता है, है ना. इन अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली स्पेशली वन हु डज नॉट लिव विद अस इज नोन एज अ रिलेटिव. सेकंड क्या पढ़ा हमने पॉइंट, कि हमारे जो परिवार में स्पेशली कौन से बंदे, कौन से सदस्य बेटा जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं. मतलब जस्ट लाइक दैट आपके फैमिली में आपके मदर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंट रहते हैं, है ना, उनके अदर अगर कोई और आ जाता है, लाइक हम कह सकते हैं कि आपके जो मामा जी है, मामी जी है, कभी कभी कजिन्स आ जाते हैं, तो आप क्या कहते हो, ये हमारे रिलेटिव है. तो ये वर्ड रिलेटिव हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वो पर्सन जो हमारे परिवार में हमारे साथ नहीं रहते हैं पर हमारा उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव. समझ में आ रहा है आपको? अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इट्स अ फैमिली ट्री. ये एक परिवार का क्या ट्री है. ओके इसमें क्या है, सारे फैमिली मेंबर्स को बताया गया, लाइक पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, कजिन्स है, सिबलिंग्स है, है ना. ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ फैमिली. ओके आप देखो, हम परिवार में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, अपने वर्क में भी हेल्प करते हैं और क्या फन भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, मनोरंजन भी होता है हमारे परिवार में. देखो क्या होता है परिवार में रहने का बेनिफिट, आवर फैमिलीज मेक अवर हाउस अ होम. अपना जो परिवार होता है वो हमारे हाउस को क्या बना देता है, घर बना देता है. आर हाउस को क्या, होम. होम मतलब अपना खुद का घर, जिससे हम क्या होते हैं, इमोशनली क्या होता है, अटैच होते हैं, जो हमारे हाउस को एक घर बनाता है परिवार. दे फुलफिल आवर नीड्स, परिवार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट अस एंड हेल्प अस टू ग्रो, और हमें हेल्प करता है बढ़ने में, है ना. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो परिवार में तो क्या करते हैं, परिवार में अपने बड़े जो भी है ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके सानिध्य में क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, है ना. फैमिली मेंबर्स लव इच अदर, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं. दे हेल्प एंड टेक केयर ऑफ इच अदर, परिवार के सदस्य एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, देखभाल भी करते हैं. दे ऑल्सो हैव फन टूगेदर, और अपने एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, फन भी करते हैं, मतलब मजाक भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं. यस नंबर वन क्वेश्चन देखो क्या है, इट्स अ एक्सरसाइज टाइम ना. नंबर वन क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्या करना है आपको एक्सरसाइज में, इसमें देखो क्या कर रखा है, यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, यू जस्ट राइट डाउन आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आपको रिलेशन बताना है जो पिक्चर दे रखी है उसमें, और क्या करना है, आंसर लिखना है. लाइक देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, आई एम रोहित एंड दिस इज रिया. ये बच्चा रोहित है और ये गर्ल रिया है. अब रिया, रिया देखो क्या कह रही है, रोहित इज माय अंकल सन. रोहित है ना ये बच्चा, ये इसके अंकल का सन है, तो बताओ रोहित इसका क्या लगेगा रिया का. हाउ इज रोहित रिलेटेड टू रिया,
कैसे रिलेटेड करेगा, कजन ही तो लगेगा ये इसका, तो क्या आएगा, COUSIN, कजन। क्या लिखना है यहाँ पे, कजन। देखो क्या लिखना है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ राइट हियर, COUSIN, कजन। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट देखो आई एम, ये कौन है, ये बच्चा है, इसका नाम क्या है, अंचित है। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि दिस इज माय फादर्स सिस्टर, ये जो लेडी है ये इसकी क्या है, इस बॉय के फादर्स की, इसके पापा, इसके जो फादर है उसके पिताजी है, उसके क्या है, सिस्टर है। तो ये इसकी क्या लगेगी, आंटी तो लगेगी, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है हमें, AUNT। ओके, नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो क्या है, आई एम सुधा एंड दिस इज माय मदर्स मदर, ये जो गर्ल है ना, ये छोटी जिसने येलो कलर का ये पहन रखी है टी शर्ट, इसका नेम है सुधा, और जो ये ओल्ड लेडी है ये सुधा की क्या लग रही है, सुधा के मदर की भी मदर है, तो मदर की मदर की भी मदर, तो वो कौन होती है, ग्रैंड मदर। ओके, तो सुधा का क्या रिलेशन होगा इनसे, कि ये इसकी ग्रैंड मदर लगेंगे। ओके, सो व्हाट विल सुधा कॉल हर मदर्स मदर, सुधा अपनी मदर की मदर को क्या क्या की बुलाएगी बताओ, ग्रैंड मदर। क्या कौन सा रिलेशन होगा इसका, ये जो है इनकी ग्रैंड मदर है। स्पेलिंग क्या होगी ग्रैंड मदर की, GRANDE, GRANDE MOTHER, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट ये है, आई एम नेहा, ये जो गर्ल है इसका नेम है नेहा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद माय फादर एंड फादर्स ब्रदर। नेहा जो फुटबॉल खेल रही है किसके साथ, अपने फादर के साथ और फादर के भाई के साथ, है ना, ब्रदर के साथ। तो बताओ व्हाट विल नेहा कॉल हर फादर्स ब्रदर, नेहा अपने फादर के ब्रदर्स को क्या क्या की ना क्या क्या की पुकारेगी, ऑब्वियसली क्या क्या की पुकारेगी, अंकल। स्पेलिंग ऑफ अंकल, UNCLE, अंकल। समझ में आया आपको, मूव करते हैं आगे, देखो आगे क्या दे रखा है, आगे क्या है, इट्स अ वेरी, ये क्या है, एक माय फैमिली ट्री चार्ट। आपको क्या करना है, इट्स योर होमवर्क, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है, सिबलिंग्स दैट मीन्स आपके भाई बहन, योर फादर एंड मदर पिक्चर पेस्ट करना है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर पेस्ट करनी है, और ग्रैंड क्या है, माय ग्रैंड फादर एंड माय ग्रैंड मदर। आपको अपने क्या करना है, फादर के जो आपके जो फादर के जो पेरेंट्स हैं उनकी फोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको मदर के जो पेरेंट्स हैं उनकी फोटो पेस्ट करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखो क्या है, हाउ शुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिहेव, कैसे ब्रदर और सिस्टर, भाई बहन आपस में बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं विथ वन अनदर, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। देखो फर्स्ट पिक्चर में फाइट ओवर द सेम टॉय, क्या एक ही टॉय के लिए फाइटिंग करेंगे, नो, इट ऑल चॉकलेट एंड नेवर शेयर, क्या वो जो भी चॉकलेट्स होगी भाई बहन अपने आप खुद से खा लेंगे, आपस में शेयर नहीं करेंगे, नहीं, ये भी रॉन्ग है। सेकेंड लास्ट क्या है, हेल्प इच अदर, एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, सो लास्ट विल बी राइट, जो लास्ट पिक्चर है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आपको क्या है, टिक करना है, टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू विद योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो, लाइक डू यू लाइक टू गो टू फेयर विद योर फैमिली मेंबर, यस, अच्छा लगता है ना फेयर मेले में जाना अपने परिवार के साथ में, राइट, इट विल बी राइट। विजिट ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में घूमने जाते हो, उन्हें घुमाते हो थोड़ा गार्डन में, yes, ये सारा बेटा आप अपने अकॉर्डिंग फील करना, ओके, इट विल बी राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, गो ऑन अ रोड ट्रिप, क्या रोड ट्रिप पे जाते हो कभी कभी, yes, जा सकते हैं हमें ना इंजॉय करने, कभी कभी वीकेंड पे हम जाते हैं बाहर, इट विल बी राइट। नेक्स्ट गो कैंपिंग, कैंपिंग मतलब कभी कभी घर से दूर किसी खुले स्थान पे क्या करना, एंजॉय करना अपनी फैमिली मेंबर के साथ, सो इट विल बी आल्सो राइट। ओके, सो टुडे वी हैव रेड लेसन नंबर 4,
in our SSC subject, which is about family. Okay, I hope you understood this chapter as well as you enjoyed this session. See you soon in next class.